स्टैंडर्ड 8 एक्सरसाइज नंबर 6.1 फर्स्ट टू फाइव हमने कल दी, फर्स्ट टू फाइव तो देख लिया हमने। अब एग्जांपल नंबर 6, तो एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला है कि यूजिंग अ गिवन पैटर्न मिसिंग नंबर। तो अभी देखो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा ना कि पैटर्न देखो, तो पैटर्न का पहले ऑब्जर्वेशन करो कि पैटर्न में क्या क्या दिया हुआ है, किसी का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, किसी का एडिशन दिया हुआ है, किसी का सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, या तो किसी का डिविजन दिया हुआ है। तो आप पहले फाइंड करो। अब हम स्क्वायर नहीं देखते, हम सिंपल इसको देख लेते पहले। तो ये 1 है, 2, 2 के बाद में 2 और ये 3 है, ओके। तो लेकिन एक को देखने से पता नहीं चलेगा। अभी देखो ये 2 है, 3 है, 6 और 7 है। तो ये थोड़ा आइडिया है, देखो क्या किया है, 1 × 2 मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा, और इसमें से एक बढ़ा दोगे तो ये आएगा। फिर से 2, 3 तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 2, 3 × 6 तो ये आएगा, इसमें एक बढ़ा दोगे तो ये आएगा। अभी भी हम श्योर नहीं है क्योंकि दो को लेके आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसके बाद में आपको थर्ड पॉइंट देखना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट, तो देखो ये 3 है, ये 4, तो 3 × 4 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, अभी सही है हमारा लॉजिक, और 12 में एक बढ़ा दो तो 13, तो ये तो पूरा हमारा लॉजिक सही हो गया। अब इस लॉजिक से नीचे जो 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए ना, उसका हम आंसर देंगे। तो ये 4, 5 ऊपर दोनों में क्या किया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आया ना, तो 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन तो कितना आएगा, 20, कितना आएगा 20, और 20 में एक बढ़ाएगा तो 21, तो ये तो सही हो गया हमारा। फिर 5 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, तो 5 को 6 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, तो ये सही हो गया, और 30 में एक बढ़ाएंगे तो 31। फिर 6, 7 तो 6, 7 तो 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, 42, 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, 42, तो 6, 7 = 42 और 42 में एक बढ़ाएंगे तो 43। तो ऐसे ही पैटर्न में क्या है, सिंपल पैटर्न का लॉजिक क्या है, तो आगे जो दो नंबर दिए ना उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, आगे जो नंबर दो दिए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, और मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आता है उसमें एक बढ़ा दो, तो ये सही हो गया। यहाँ पे भी 2, 3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6, तो 6 हो गया, और इसमें एक बढ़ा दो तो 7, 3, 4 तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो आंसर आ गया 12, उसमें एक बढ़ा दो तो आ गया 13, ओके। तो इसी लॉजिक से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होगा। तो क्या है लॉजिक, क्या है लॉजिक, आगे दो का मल्टीप्लीकेशन करके आप थर्ड नंबर ला दो, और जो भी आपका थर्ड नंबर आया है उसमें प्लस एक करके आप फोर्थ नंबर ला दो इक्वल टू के बाद, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 विदाउट एडिंग फाइंड अ सम। तो देखो इसके लिए एक लॉजिक आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये लॉजिक देखो, यहाँ पे 1 नंबर है तो 1 का स्क्वायर, जब भी आपको ऑड नंबर दिखे ना तो जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर कर देना। यहाँ पे 1 और 3 है तो 1 और 3 तो ये एक नंबर हो गया, और ये दूसरा नंबर तो 2 का स्क्वायर तो ये इसका एडिशन हो गया 4। 1, 3, 5 तो ये कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3 तो 3 का स्क्वायर तो 9। 1, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4 नंबर कितने हो गए, 4 तो 4 का स्क्वायर मीन 16 तो सम कितना आ जाएगा, 16। 1, 3, 5, 7, 9 नंबर कितने हो गए, 5 हो गए, 5 का स्क्वायर मीन्स 25। 1, 3, 5, 7, 9, 11 नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 का स्क्वायर मीन्स 36। तो जब भी आपको सीरीज में ऑड नंबर दिया होता है, जब भी आपको सीरीज में ऑड नंबर दिया है तो जितने भी ऑड नंबर दिए उसका काउंटिंग करो और उस पर स्क्वायर लगा दो, तो वो आपका सम का आंसर आ जाएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में, 1, 3, 5, 7, 9 कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा आंसर, 25। देखो हमको पता है कि हमारा ये लॉजिक है, लेकिन हम चलो कंफर्म कर देते, तो 25 हमारा इसका 1, 3, 5, 7, 9 का आंसर 25 आया। अभी देखो हम ओरली सम करके देखते हैं, तो 1 और 3 कितना होगा, 4, 4 और 5 कितना होगा, 9, 9 और 7 कितना होगा, 16, 16 और 9 कितना होगा, 25। अभी देखो नीचे देखते, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो आप सेकंड नंबर का स्क्वायर के मीन सम करके भी देखना तो 100 ही होगा आंसर, ओके।
फिर एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते, थर्ड अपने आप कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो 7 ऑड नंबर कितने हो? तो हमको पता है ऑड नंबर जब भी चलते हैं तो सीरीज में चलते हैं, तो 7 ऑड नंबर, तो 7 ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1, 1 के बाद में क्या आएगा? 3, 3 के बाद में क्या आएगा? 5, 5 के बाद में क्या आएगा? 7, 7 के बाद में क्या आएगा? 9, 9 के बाद में क्या आएगा? 11, 11 के बाद में क्या आएगा? 13। तो देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 नंबर हो गए। अब देखो हम ओरली सम करके भी देखते हैं, 1 और 3, 4, 4 और 5, 9, 9 और 7, 16, 16 और 9, 25, 25 और 11, 36, 36 और 13, तो 49। तो ये भी सम 49 होता है। तो कैसे करेंगे हम? 1 से लेके ऑड नंबर की पूरी सीरीज आपको लिखनी है। तो वैसे ही नीचे का क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस 121 एज अ सम ऑफ द 11 नंबर। 11 ऑड नंबर तो स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से आएंगे? तो देखो 7 तक तो पहुंच ही गए हम, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 7 तक पहुंच गए। अभी 4 और भी जाना है, तो 13 के बाद में 15, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19 और 19 के बाद में 21। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये 11 ऑड नंबर में हमने सम दिखाया है, कितना? 121 का। तो ऐसे ही आप एक्सप्रेस कर सकते हो, जब भी आपको कोई भी ऑड नंबर दिए ना, तो 1 से लेके स्टार्ट करके +2, +2, +2 कर देना, क्योंकि 1 में +2 करेंगे तभी कोई ऑड नंबर आएगा ना। तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर का सम एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके,